सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर एंड टर्म्स एंड कंडीशन, इन पेजेस को कैसे बना सकते हैं। बिकॉज जब तक आप लोग इन पेजेस को नहीं बनाएंगे तब तक आपके लिए एडसेंस का अप्रूवल बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिकॉज अब से करीब 4 से 5 साल पहले ऐसा चल जाता था कि अगर आप लोग पेजेस नहीं भी बनाओ तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको पेजेस बनाना ही बनाना है, वरना आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। बट उससे पहले एक ही बात कहना चाहूंगा कि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, बिकॉज ये हम यूट्यूबर्स के लिए मोटिवेट करता है। तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, इस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो, मैंने अबाउट अस का और कॉन्टैक्ट अस का पेज बना करके रखा हुआ है। तो देखो, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले अबाउट अस के बारे में। अबाउट अस में आपको अपने बारे में बताना है, ठीक है, कि आप कौन हो, इस साइट का ओनर कौन है, आप कर क्या रहे हो और आप लोग इस वेबसाइट में क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराने वाले हो। तो मैंने कुछ यहीं पर ये सब कुछ लिखा हुआ है कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं इस साइट का ओनर वगैरह हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अबाउट अस आप कहीं से कॉपी या पेस्ट नहीं कर सकते, ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख लो कि किस तरीके से लिखना है, और आप लोग चाहें तो यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें डाल सकते हैं, ठीक है। अपनी एजुकेशन के बारे में आप लिख सकते हैं कि मैंने कब कब क्या किया था, ठीक है, सब कुछ आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। देन यहाँ पर आप लोग अपना नेम, स्टेट, ईमेल एड्रेस, आपके सोशल मीडिया के लिंक्स, वो भी आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है ना। तो अबाउट अस का जो पेज है वो तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो आता है वो आता है कॉन्टैक्ट अस का। अब इसमें आप लोग बस क्या करोगे, अपनी जो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर देनी है, जैसे कि नेम, स्टेट, और आपसे मतलब कैसे करके सामने वाला जो बंदा है वो कॉन्टैक्ट करेगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल दे रखी है, यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है, फेसबुक का यूआरएल दे रखा है और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो आप लोग उसकी भी दे सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर बंदा आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेन तो वैसे ईमेल ही होती है, बाकी आप लोग चाहें तो और भी दे सकते हैं। तो ये अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, ये पेज आप लोग खुद से क्रिएट करेंगे। आप लोग किसी दूसरी साइट से आइडिया ले सकते हैं या फिर आप लोग सिंपल इससे आइडिया ले सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको लिखना है खुद से, ये अपने बारे में लिखना है, दूसरे के बारे में मत लिख दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी पेज कैसे करके बनाना है। तो एक वेबसाइट जिसका नाम प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे और भी कई सारे टूल्स हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं शुरू से इसी का इस्तेमाल करते हुए आ रहा हूँ और इजीली तरीके से मुझे अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, वैसे तो ये सही है यार, इसी कर लेना, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पर करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए अपनी कंपनी का नेम डालना है। तो हमारी कंपनी कौन सी है, हमारी कंपनी का नाम है यहाँ पर क्रैक हाउ, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है ना। तो सही है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो वेबसाइट है उसका यूआरएल यहाँ पर आपको डालना है। तो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, crackhow.in। इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली कॉपी करता हूँ यहाँ से और चलते हैं यहाँ पर, और इसको मैं इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पर हमें कंपनी का नेम डालना था, यहाँ पर हमको नीचे यहाँ पर हमें यूआरएल डालना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कंपनी का नेम डालना है। तो हमारी कंपनी का नेम तो यही है भाई, तो हम यहाँ पर यही डाल देते हैं। ये मैं ऊपर से कॉपी करूंगा और यहाँ ला करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट, यस हम यूज करना चाहते हैं। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट, यस हम चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर डू यू शो एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम थर्ड पार्टीज एक्सपर्ट गूगल, नहीं। देखो गाइस, एक्सपेक्ट गूगल, ठीक है, एक्सेप्ट गूगल। अब यहाँ पर देखो गाइस, एक चीज ध्यान कर लेना कि अगर आप लोग अपनी वेबसाइट में गूगल एडसेंस की एड शो कराना चाहते हो तो आपको यस पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप लोग की मूवी वेबसाइट है या फिर कोई और दूसरी साइट है और आप लोग थर्ड पार्टी एड नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग इस वाले को नो करना और इसको यस करना, ठीक है ना। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए अपनी कंट्री चूज करनी है, तो हम कंट्री अपनी चूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टेट चूज करनी है, तो हम स्टेट चूज कर लेते हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप लोग डालेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से हम यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर हम डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए जेनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर क्लिक कर देना है और आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब बस यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इस पर क्लिक करो। देन यहाँ पर आओ और यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जो प्राइवेसी पॉलिसी, उस पर क्लिक करना है। और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए इस पर क्लिक करना है
और यहाँ पर आपको एडिट HTML इस पर आपको क्लिक करना है और इस सारे कोड को डिलीट करना है, आपके में खाली होगा, ठीक है। देन आपको इस तरीके से कोड कॉपी किया है, पेस्ट करना है, देन इस पर क्लिक करो, कंपोज व्यू पर क्लिक करो और आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। एंड आप लोग चाहें तो यहाँ से इसका जो फॉन्ट वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं, दूसरा फॉन्ट रख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर दो, आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन गया। अब एक चीज ध्यान कर लेना कि पेजेस बनाते कैसे हैं। देखो पेजेस पर क्लिक करोगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है, देन आप लोगों के लिए यहाँ जाना है और यहाँ पर सारे के सारे पेज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे पेज पब्लिश हैं, यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देना, ठीक है, पेज आपका आराम से यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। तो मैंने पहले से ही बना करके रखे हुए हैं तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, कैंसिल डिस्कार्ड, ठीक है, एक सेकंड। हाँ तो हमारा कौन सा होगा, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज यहाँ पर, सॉरी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन चुका है। अब हम बनाने जा रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अपनी कंपनी का नाम लिखना है, वेबसाइट का नाम लिखना है, वेबसाइट का URL यहाँ पर हमें डालना है, देन नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर फिर से हमें कंट्री चूज करनी है, ठीक है, IND, हमने इंडिया चूज कर लिया, हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश चूज कर लेते हैं और यहाँ पर हमें अपनी ईमेल डालनी है और यहाँ पर हमें जेनरेट माई टर्म्स एंड कंडीशन इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है वो भी क्रिएट हो चुका है, इस पर कॉपी करो, देन यहाँ पर आओ, टर्म्स एंड कंडीशन ये रही हमारी, इस पर हमें क्लिक करते हैं, ठीक है। देन हमें इस पर क्लिक करना है, HTML व्यू पर क्लिक करना है और इस कोड को मैं यहाँ पर कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दूंगा। देन इस पर हमें क्लिक करना है, कंपोज पर हम क्लिक करेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। तो हमारा टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बन गया। उसके बाद रह गया हमारा डिस्क्लेमर का। तो इसमें आओ, इसमें कंपनी का नेम दो, इसमें भी कंपनी का नेम दो, एंड यहाँ पर आप लोगों को अपनी साइट का URL डालना है। नेक्स्ट पर क्लिक करो, कंट्री चूज करो अपनी, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सेकेंड, स्टेट चूज कर ली, URL डाल दिया, जनरेट माई डिस्क्लेमर इस पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर हमारा डिस्क्लेमर पेज भी जनरेट हो चुका है। कॉपी टू क्लियर पर क्लिक करेंगे, यहाँ बैक चलते हैं और डिस्क्लेमर पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, HTML व्यू पर क्लिक करेंगे। मैंने पहले से बना करके रखे हुए थे, मैं मतलब देख ही रहा था कि ये किस तरीके से लगता है, ठीक है, तो मैंने पहले से बना करके रखे हुए थे इन्हें। तो ये हमारे बन चुके हैं, एंड अपडेट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो पेजेस हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें सिंपली इन पेजेस को ओपन करना है। जैसे कि मैं इस पेज को ओपन कर लेता हूँ, इस पेज को ओपन कर लेता हूँ, इस पेज को ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ एंड इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने ये ओपन क्यों करे वो आप लोग यहाँ पर देख लो। अब मैं यहाँ पर अपनी साइट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट है crackhow.in। अब यहाँ पर आप लोगों को करने गए जहाँ पर भी आपको अपने पेजेस को ऐड करना है, जैसे कि बॉटम में हो गया, फुटर में हो गया, फिर टॉप पर हो गया, वो आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो होम, अबाउट, प्राइवेसी, कॉन्टैक्ट, तो ये थीम मैंने आप सभी को दी ही थी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब आपको आना है यहाँ पर लेआउट पर, आप लोग क्लिक करेंगे, लेआउट पर क्लिक कर लें, आपको नीचे आना है और यहाँ पर लिखा है बॉटम, आर्टिकल, एकदम हेडर, एक सेकंड, ये लिखा है फुटर, लिंक लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एडिट पर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग एडिट पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको अबाउट अस लिखना है, ठीक है ना। देन यहाँ पर आप लोगों के लिए अबाउट अस पेज की जो लिंक है वो डालनी है। तो ये रही हमारी अबाउट अस पेज की लिंक, इसको हम कंट्रोल ले करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ ला करके हम क्या कर देंगे, इसको इस तरीके से पेस्ट कर देंगे एंड सेव पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही करके आपको प्राइवेसी पॉलिसी में करना है, यहाँ पर URL डालना है उसका, कॉन्टैक्ट अस में करना है एंड आप लोग साइट मैप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको साइट मैप की जगह पे टर्म्स एंड कंडीशन या डिस्क्लेमर लिख देना है। और अगर आपको कोई और पेज ऐड करना है तो आप लोग यहाँ पर पेज का नाम लिखेंगे, उसका URL डालेंगे और यहाँ पर आपको ऐड लिंक पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो ये आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा काम है। देन यहाँ पर आपके जो पेज के लिंक्स होंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ था, ये बहुत आसान तरीका था। आप लोग इसी तरीके से यहाँ पर जो है अपने पेजेस क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉगर के लिए या फिर वर्डप्रेस के लिए, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और एक बात और, ये कि ये हमारा 5th पार्ट था, अभी 3 से 4 पार्ट और आने हैं, ठीक है, उसके बाद ये सीरीज खत्म। फिर हम वर्क करेंगे अप्रूवल पर, कि हम जितनी जल्दी अप्रूवल ले सकें वो तरीका बताऊंगा, तो डोंट परी, ट्रैफिक कैसे लेना सब बताने वाला हूं, तो परेशान मत हो। बाकी इतना ही वीडियो में, तब तक टाटा।